नाज़रीन, प्रोग्राम लॉ एंड वेलफेयर के साथ आपका मेज़बान अजीम मलिक हाजिर है। आज के प्रोग्राम में बरतानिया के एक नामवर सोलिसिटर वकील जो इमिग्रेशन कवानीन के माहिर हैं, 10 साल तजर्बा रखते हैं, और जमाल हुसैन साहब आज हम कलाम होंगे और आपके लिए मुफीद मालूमात मुहैया करेंगे। आप बड़ाच लॉ सोलिसिटर्स के ऑनर भी हैं। आज हम इमिग्रेशन के मौजू यानी वर्क परमिट के बारे में बातचीत करेंगे, तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए और ये हमारी खुश नसीबी है वन ग्लोबल की कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और लोग हमारी जो पब्लिक है उनके लिए मुफीद साबित होंगे मेरा ख्याल है, बाकी छोड़ते हैं आवाम के। अच्छा, वर्क परमिट क्या है? बहुत धूम में पड़ी हुई है। थैंक यू मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस पर बात कर सकूं। ये इस पर बहुत लोग बात कर रहे हैं और इस पर बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है और रूमर भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है इसके बारे में। मुझे भी आए रोज़ काफ़ी दोस्तों का फ़ोन भी आता है, पाकिस्तान से फ़ोन भी आता है, इधर से भी आते हैं कि क्या हो रहा है, इधर बरतानिया में कोई नई कैटेगरी ओपन हुई है जो कि बरतानिया में लोग वर्क के लिए आना चाहते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वर्क परमिट कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी था और आज भी है, लेकिन इसमें 2014 से लेकर इसमें काफ़ी तब्दीलियां की गई। अच्छा, ये इसमें सुना है कि अब इन्होंने लाइसेंस कर दिया है इमिग्रेशन के लिए, जब कोई आना चाहेगा वर्क परमिट पे तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, क्या वो मुश्किल नहीं पैदा कर दी? जी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये वर्क परमिट जो है ना, वो आम लोगों के लिए सिर्फ यही है कि एक वर्क परमिट एक ही तरह का है, हालांकि ऐसा नहीं है। वर्क परमिट में तकरीबन 25 के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन जो जुबान ज़दे आम है, जो जिसको सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, उसमें सिर्फ है कि स्किल्ड वर्क वीज़ा और उसके अलावा जो मेडिकल प्रोफेशन में लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सोशल वेलफेयर, सोशल केयर होम्स के लिए जो वर्क है, उसके लिए उसके बारे में लोग को ज़्यादा पता है। लेकिन इसके अलावा भी 25 और कैटेगरीज हैं जो जिस पर वर्क परमिट जो है ना इशू करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पिछले दिनों 37 मोर एलिजिबल जॉब्स जो है ना, वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल किया है। उस वजह से लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है कि ये जो 37 मोर एलिजिबल जॉब्स क्रिएट की कैटेगरीज क्रिएट की गई है, तो इसके तासर लोगों ने ये लिया है कि बहुत ज़्यादा उधर लेबर शॉर्टेज हो गई है। लेकिन कहा यह जाता है कि आसानी पैदा हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो ये है कि गवर्नमेंट ने 37 मोर एलिजिबल जॉब्स जो है ना, वो उनको रिकनाइज कर लिए, रिकनाइज किया है कि इन जॉब्स के लिए भी लोग बरतानिया के बाहर से आ सकते हैं। तो आपकी जो अगला क्वेश्चन था कि लाइसेंस के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कोई वर्क परमिट लेना चाहेगा या वर्क परमिट पे आना चाहेगा, तो उसका आगाज़ जो है ना, वो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि उसका आगाज़ वो बिज़नेस करेगा। ठीक, जिसको वर्कर चाहिए वो बिज़नेस जो है ना, अपने लिए बिजनेस एलिजिबल होना चाहिए। बिजनेस एलिजिबल होने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिसको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कहते हैं। तो बिजनेस जो है ना, सबसे पहले वो अपनी एलिजिबिलिटी शो करेगा, अपनी एक एप्लीकेशन मूव करेगा होम ऑफिस को, उसका सारे अपने होम ऑफिस को सेटिस्फाइड करेगा, होम ऑफिस को सेटिस्फाइड मेरे पास क्या प्लान है, होम ऑफिस को सेटिस्फाई करेगा कि मेरा बिजनेस वायबल बिजनेस है और मेरे पास जो है ना, इतनी लेबर फोर्स मेरे पास काम कर रही है, इतनी मेरी टर्नओवर है, मैं टैक्स पेयर हूँ और मुझे लोकल लेबर मार्केट से मेरे मखसूस काम के लिए
मुझे वो बंदे नहीं मिल रहे, इसलिए मैं बाहर से बुलाना चाहता हूँ। तो उसको जो है होम ऑफिस लाइसेंस इशू करेगा, राइट। तो उस लाइसेंस के बाद जो है ना वो एप्लीकेंट जो है वो अपने, ये मेरा सवाल ये था, लाइसेंस के जब से इजरा गवर्नमेंट ने किया, क्या वर्क परमिट मुश्किल हो गया? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाइसेंस के इजरा का मतलब जो है ना वो सिर्फ ये था कि इससे पहले ऐसा था कि कोई भी बिजनेस जो है वो अपना जो है ना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन उसमें बहुत सी खराबियां पैदा हुई, तो उन्होंने इसको चेंज किया ताकि सबसे पहले ये देखा जाए कि जो बंदा बुला रहा है बाहर से वो इस काबिल है कि उसको तनख्वाह दे सके। आपका कहने का मकसद ज़ाते अखलाक में ले आए। हाँ जी, उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल किया है ताकि लोग उसको अब्यूज ना करें। चलें अगले सवाल की तरफ से चलते हैं। सुना है कि आजकल बरतानिया में लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, क्या ये हकीकत है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, लेबर शॉर्टेज ऐसे नहीं है कि हर कैटेगरी में लेबर शॉर्टेज है, ऐसे नहीं है। इसमें मेरे ख्याल 80 के करीब गवर्नमेंट ने जो है ना जॉब एलिजिबल जॉब्स जो है ना वो क्रिएट किए हैं, लेकिन वो सारी में लेबर शॉर्टेज नहीं है। ये मैं सब लोगों को भी बताना चाहूँगा कि सारी में लेबर शॉर्टेज नहीं है। 31 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें लेबर शॉर्टेज है। वो सबसे ज़्यादा तो लोगों को उसका इदराक नहीं है, उसको पता नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं सिर्फ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़े में जो लेबर शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक मिनट मुझे और दीजिएगा प्लीज़। लेबर शॉर्टेज है, इसमें आ जाता है हेल्थ वर्कर्स, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए लेबर शॉर्टेज है। और जो सोशल केयर होम्स हैं उनके लिए लेबर शॉर्टेज है, उधर के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए, इसके अलावा आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के लिए भी लेबर शॉर्टेज है, और डांसर्स के लिए लेबर शॉर्टेज है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर में, सिविल इंजीनियरिंग में लेबर शॉर्टेज है। इसके अलावा आप और इसमें साइंटिस्ट हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनमें लेबर शॉर्टेज है, उनमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हर जॉब के लिए नहीं है। चलो, आप जो भी एप्लीकेंट है पहले वो ये चेक करें कि जिसमें वो अप्लाई कर रहा है उसमें लेबर शॉर्टेज है या नहीं है। जिसमें, जिस कैटेगरी में लेबर शॉर्टेज है उसमें गवर्नमेंट ने कोई रूल्स जो है रिलैक्स किए हैं। फॉर एग्जांपल, जो नर्सेज और डॉक्टर्स आना चाहते हैं उनके लिए फीस भी जो है वो भी कम रखी गई है। इसके अलावा उनको जो यानी प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके लिए आसानी है। हाँ, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो दूसरे कैटेगरीज में 625 pounds हर साल का देना पड़ता है, वो भी गवर्नमेंट ने उसमें रिलैक्स किया हुआ है, क्योंकि उसमें शॉर्टेज है। वो गवर्नमेंट चाह रही है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए, मेरे नाज़रीन को बताएं आप। जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहले जो बिजनेस है वो स्टार्ट करेगा, बिजनेस इनिशिएटिव लेगा कि उसको बंदा चाहिए, एक बंदा चाहिए, दो बंदे चाहिए या चार बंदे चाहिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो वो अपना लाइसेंस अप्लाई करेगा जिसको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कहते हैं। जब उसको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल जाएगा तो वो नेक्स्ट पे एप्लीकेंट को स्पॉन्सर कर सकता है उसके मुताबिक। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, एप्लीकेशन फीस क्या होगी? हाँ जी, तो इसमें है कि आम लोगों को तो ये बताया कि जो है वर्क परमिट उसकी एक ही फीस है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट फीस है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जो NHS के वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने रखी हुई है कि जो तीन साल का वीज़ा है उसमें 249 pounds रखी हुई है। अगर वो तीन साल से ज़्यादा का वीज़ा लेता है तो 479 pounds। अच्छा, इसमें मुद्दत के साथ साथ कितने अरसे में परमानेंट उनको वीज़ा मिल जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि वर्क परमिट ज़्यादातर जो है वो 3 साल के पहले दिए जाते हैं। उसमें
कुछ सीजनल वर्क परमिट भी है। सीजनल वर्क परमिट जो है वो 3 साल का नहीं वो होता, वो सिक्स मंथ का होता फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के लिए वो 6 मंथ का होता है। लेकिन जो नॉर्मल जो स्किल्ड वर्कर वीजा है और NHS के लिए वर्क वीजा है और जो सोशल केयर होम के लिए वर्क वीजा Different. है वो 3 साल का पहले वीजा देते हैं, 3 साल के बाद उस वीजे को एक्सटेंड किया जा सकता है। जब बंदा कोई भी बंदा जो वर्क परमिट है इधर 5 ईयर गुजार लेगा तो उसके बाद वो एलिजिबल है कि वो अपना इनडेफिनेट लीव रिमेन अप्लाई कर सकते, अपने बीवी बच्चों को ला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। वो कोई भी बंदा जो वर्क परमिट पे आता है, अगर वो वर्क परमिट वो सीजनल वर्क परमिट ना हो या एक दो और कैटेगरीज हैं वो वर्क परमिट ना हो, मैं आपको सारी तफसील तो इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन जो मोस्टली जो वर्क परमिट है उन पर वो अपने बीवी बच्चों को भी वो बुला सकता है इधर, और उसका अगर कोई हस्बैंड है बीवी के साथ आया है तो वो भी काम कर सकता है, और अगर उसकी वाइफ आई है वो भी काम कर सकती है और बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। इसका दौरानिया क्या होगा, कितने टाइम के लिए काम कर सकते हैं? पहले तो पाबंदी थी ना, स्टूडेंट पे भी थी जी, तो जी इनका इनका जो वर्क परमिट के लिए जो बंदा आता है वो उस पर काम करने में कोई पाबंदी नहीं होती, कहीं बाहर भी कर सकता है के लिए, कहीं बाहर भी काम कर सकता है। जी मैं आपको बता दूं, जिस फर्म में वो आया है सबसे पहले तो ये है कि वो उस फर्म में लाजमी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी जॉब उस सेम कैटेगरी में वो काम कर रहा है, सेम उसकी कैटेगरी चेंज ना करे, तो अनदर 20 आवर्स वो कर सकते और भी कर सकते। चलिए बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत मुफीद बातें की। आइंदे प्रोग्राम के लिए कुछ छोड़ देते हैं? बिल्कुल, एक चीज मैं और जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूं कि एक दो वर्क परमिट ऐसे भी हैं कि जिनके लिए आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो दो तीन कैटेगरीज ऐसी भी हैं। मैं आपके नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि वो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उनमें एक है इनोवेटिव वर्क वीजा, उसके लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए और आपको एक जो बॉडी है जो अप्रूव करती है UK में, उस बॉडी से वो अपना आइडिया बिजनेस जो है ना वो अप्रूव कराना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास उस बिजनेस को बनाने के लिए चलाने के लिए उसके पास इतना पैसा भी होना चाहिए और उसको ये साबित करना होगा कि वो ये इसका बिजनेस और आइडिया वायबल बिजनेस है और वो जॉब क्रिएट कर सकता है और UK को भी उसका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। तो जमल साहब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं A1 ग्लोबल की तरफ से दिल की अथाह से अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया। इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, जिससे अवाम को फायदा होगा, हम चाहेंगे उस प्रोग्राम को कैरी ऑन रखें। बिल्कुल जरूर, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं जो है कोई पैगाम दे दें छोटा सा, ये एक बड़ा जरूरी चीज मैं जो है ना वो नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये इमिग्रेशन का मैटर ऐसा है कि इट्स नॉट वेरी सिंपल, इस ऐसा सिंपल नहीं है। आप कभी भी ये इमिग्रेशन के मैटर को खुद सॉल्व करने की कोशिश ना करें और कभी भी जो है वो कोई नॉन प्रोफेशनल बंदे से उसको एप्लीकेशन ना करवाएं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपका जो भी आपका नियरेस्ट सॉलिसिटर है अच्छा उसके पास जाके उससे मशवरा करें, इससे आपका पैसा भी बचेगा, इससे आपका आपका टाइम भी बचेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका काम भी हो जाएगा। इसके लिए मैं मेंशन करना चाहूंगा नाज़रीन, अगर आप चाहें तो जमील हुसैन साहब से रब्ता कर सकते हैं और उनसे मशवरा भी ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए कारामद और मुफीद होगा। अपने मेज़बान अज़ीम मलिक को प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।